नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बनाएंगे करेला बेसन मसाला। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बेसन करेला बनाने के लिए हमें चाहिए, ये 300 ग्राम मैंने करेले लिए हैं, 3 बड़ी प्याज काटी है और 2-3 हरी मिर्ची और आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ये मसाला है सौंफ और राई को मैंने पीस लिया है, और आधी चम्मच 1/4 चम्मच नमक, आधी चम्मच सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच बेसन। ये सारा नाप मैंने इसी चम्मच से लिया है। 2 टेबलस्पून ये तेल है, इससे हम ये करेलों को फ्राई करेंगे। तेल मैंने इस चम्मच से लिया था 2 चम्मच, और करेले मैंने रात को भिगो काट कर और नमक लगाकर रखा था इनमें, और सुबह मैंने इनको धो लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले गैस को थोड़ा लो करके मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं। इनको फ्राई करने में मुझे 20 मिनट लगे, क्योंकि मैंने 2 बार करके इनको फ्राई किया है। अब मैं फिर से गैस ऑन कर दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और ये प्याज डाल दूंगी। और अभी करेले और ये मसाले ऐड कर देंगे। अभी इसमें ये हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, सौंफ और राई का मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, मिक्स कर देंगे। और अब ये बेसन डाल देंगे। अब बिल्कुल धीमी आंच पर इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मेरे मसाले को चेक कर लेती हूँ, सॉरी करेलों को चेक कर लेती हूँ। मेरा बेसन मसाला करेला तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। गैस ऑफ कर देते हैं। आप भी ऐसे ही करेले की सब्जी बनाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।